अब मैं चाहूंगी कि आपकी खिदमत में एक खबर पेश करूं कि हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं, अगर हमारे प्लेयर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेले, अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। ट्रॉफी को होस्ट करेगा यूएई और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लोग के अब क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को, हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारी तो कठोर बेइज्जती हो गई, बिकॉज जय शाह ने तो बता दिया कि बेटा उसने शुरू में कह दिया कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, तो लोग जितने ख्वाब देखने देख लो, तो हाइब्रिड मॉडल का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आईसीसी उस दिन क्रैश कर जाएगा, बीसीसीआई की मार्केट वैल्यू उस दिन क्रैश कर जाएगी जिस दिन पाकिस्तान इनको ये कहेगा कि हमने तुम्हारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना ही नहीं है। अब तो सर बोल दे, ये जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम आपके आगे तो बाहर बड़के मार रहे हैं, गोंगियां मार रहे हैं, बट अंदर से आईसीसी ने हमें बता दिया है कि भाई ये जो आपका मीडिया चावल बेच रहा है ना कि श्रीलंका के साथ रिप्लेस कर देंगे, वेस्ट इंडीज के साथ रिप्लेस कर देंगे, बेटा सोचना भी नहीं है, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा, चैंपियन ट्रॉफी बाहर चली जाएगी, यूएई कोस्ट हो जाएगा, बट इंडिया खेलेगा और जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टर का भी एक प्रेशर आया होगा। अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रही है। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और फिर भी पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को उम्मीदें थी कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जय शाह साहब कुछ ना कुछ करेंगे, ये पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में बैठे जो ये जो हमारे दो नंबर जर्नलिस्ट हैं, दो नंबर जर्नलिस्ट जो बिकाऊ जर्नलिस्ट हैं जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तानी आवाम को उम्मीद लगाकर बैठे, नहीं जी हिंदुस्तान तो आएगा, हिंदुस्तान को तो आना पड़ेगा, उनका पापा भी आएंगे, ये करेंगे। हिंदुस्तान ने बोला बेटा पापा हम ही हैं, तुम जरा गलती कर रहे हो, तुम जरा रुको सबर करो, हम तुम्हें बताते हैं कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान आया जाता है। और यहाँ पर जो आज एक ब्रेकिंग न्यूज दिख रही है, सदमा है पाकिस्तान के दिल के ऊपर, इतना बड़ा सदमा पाकिस्तानी ने पहले कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं किया होगा, क्योंकि अब ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है, बस पेपर के ऊपर साइन होने वाले हैं, 20 और 22 को जो है वो एक मीटिंग होनी आईसीसी की श्रीलंका के अंदर, वहां पर बस पेपर साइन हो जाएंगे और फिर आईसीसी वो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर मार देगा पेपर कि ये लो बेटा ये शेड्यूल हमने बनाया, तुमने जो शेड्यूल बनाया उसको हमने बिल्कुल ही डिक्लेयर कर दिया, वो शेड्यूल दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि भाई उस शेड्यूल के ऊपर जो है कोई मैचेस खेले जाएंगे। मतलब इंडिया जैसी टीम जिसके लिए ब्रॉडकास्टर व्यू हो रहा है, जिसने सबसे ज्यादा अर्निंग रेटिंग देनी है, वो पाकिस्तान नहीं आएगी तो काएगा मुझे बताओ कि चैंपियन ट्रॉफी जो है ना पाकिस्तान ने होस्ट किया। अब आप मुझे बताओ मेन मैच इंडिया पाकिस्तान वाला यूएई में है, इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में जाता है तो आपसे सेमीफाइनल और फाइनल भी चले गए, एक सेमीफाइनल आप पाकिस्तान में करा रहे हो, तो असल होस्ट कौन हुआ, यूएई हुआ या पाकिस्तान हुआ? असल होस्ट तो यूएई हो गया यार, मैच सारे वहां पे जाने हैं और ऊपर से मसला ये है यूएई हम पाकिस्तानियों को वीजे भी नहीं देता, पाकिस्तानी लोग जहां से जाते हैं यूएई में भीख मांगने लग जाते हैं, वहां से जाते हैं बैंक से लोन लेके आके यहां पाकिस्तान में भाग जाते हैं, वहां पे जाके चोरियां करते हैं, वहां पे सारे गंदे क्राइम्स करते हैं और यूएई ने एक अरसे से पाकिस्तान को बैन किया हुआ है, वो वीजे नहीं दे रहे और जो वीजे दे रहे हैं तकरीबन आधे से ज्यादा पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं वहां उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। कल यूएई ने अपनी लिस्ट अपडेट की है, वो पाकिस्तान के वीजे बंद रखता है, वो इंडिया के वीजे बंद नहीं रखता, वो पाकिस्तान के वीजे बंद रखता है। भाई हमारा सो कॉल्ड ब्रदर इस्लामिक मुल्क उसूल के हिसाब से चलते हैं भाई, हमारी तरह बोंगी पार्टी नहीं है भाई। उन्होंने कल लिस्ट फ्रेश की है, उन्होंने बोला है पाकिस्तान के ये आधे से ज्यादा जो शहर हैं यहां से पाकिस्तानी लोग यूएई नहीं आ सकते, हम वीजे खोल रहे हैं। अब आप सोचो कि आधे से ज्यादा शहरों के लोग ही पाकिस्तान वाले दुबई नहीं जा सकते तो ऐसे वीजे क्या खोलेंगे कि हम दुबई में जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे और हमारी आवाम के पास इतना पैसा है? देखिए हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते, आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका। कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है, बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया। ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना, पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मुश्किल आ रहा है, जहां पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसे कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना बिलो द बेल्ट खेलना ये तो उनका मुश्किल राय करना नहीं करता, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाह रहा कि वहां पर ये चैंपियन ट्रॉफी हो और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है अब हिस्सा आ चुका है, तो उम्मीद यही है कि भैया हमें सेफ्टी चाहिए टीम्स की, लोगों की, ऑडियंस की। कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए कि $3 billion जिस ब्रॉडकास्टर ने दिया है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। अब पूरे की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी यूएई, दुनिया की दो टॉप की टीम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जब वो ही पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही तो फिर भाईजान आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी घंटा चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना ये थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि भाई पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है कल, बहुत सारे इनके जो है आर्मी के लोग मरे उसमें। यहां पर आईसीसी जो है वो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का सोच रहा कि अभी आईसीसी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो रूट है ना ये चेंज करने वाली है, ट्रैक जो है उसका
जो है वो यूएई की तरफ होने वाला है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर यह बहुत बड़ी न्यूज है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से चेंज होकर यूएई की तरफ जाने वाली है। बहुत सारे देश जो है अंडरग्राउंड पीछे पर्दे के पीछे, सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान नहीं, दो तीन देश और सामने आए हैं, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूं, जिसमें बांग्लादेश का भी नाम है। नहीं करता तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाह रहा कि वहां पर ये चैंपियन ट्रॉफी हो, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है अब हिस्सा आ चुका है। तो उम्मीद यही है कि भैया हमें सेफ्टी चाहिए टीम्स की, लोगों की, ऑडियंस की, फैंस की, बाकी घंटा फर्क नहीं पड़ता कहां पे हो, पाकिस्तान में हो, कहां पे भी हो, हम बस लोगों की सेफ्टी चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब से इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया है तभी से पाकिस्तानियों की सूझी हुई है, और इसी सूझी हुए गुब्बारे में हवा भरते हुए अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया कि भैया हमारी भी जान है, जाने कहां से कौन बम फोड़ दे। इसी को देखते हुए अब ICC सोच रहा है कि इस टूर्नामेंट को कहीं और कराया जाएगा, या तो UAE और या फिर श्रीलंका में ये टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि पिछली बार श्रीलंका पर आतंकवादियों का हमला हो चुका है। इसलिए वो कहते हैं कि भैया सेफ्टी इश्यू से हम भी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, वो साले ठहरे आतंकवादी। तभी से पाकिस्तानियों का मुंह किसी का लटका हुआ है, तो किसी का फूला हुआ है, तो किसी का बंद है। खैर, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।